Assalamualaikum, वेलकम टू माय चैनल रहनास वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट केक, जो बहुत ही स्पंजी एंड डिलीशियस होती है, जिसको हम कुछ ही इंग्रेडिएंट में प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं ये मज़ेदार सी केक कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट की मिक्सचर है उसको हम छान लेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 2 पिंच सॉल्ट। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। यहाँ मैंने अच्छे से छान लिया है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको मैं साइड पे कर दूंगी। फिर मैं ले रही हूँ रूम टेम्परेचर का 3 eggs। यहाँ मैं एग व्हाइट एंड एग योल्क को सेपरेट कर लूंगी। यहाँ मैंने एग व्हाइट एंड एग योल्क को सेपरेट कर लिया। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप प्लस 1 टेबल स्पून शुगर एंड एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से थोड़ा मिक्स करके बीट कर लूंगी, जब तक ये फॉर्म ना हो जाए। बीट करते करते आप देख सकते हो ये फॉर्म हो गई है। अब मैं बीटर को ऑफ कर लूंगी। फिर मैं ऐड कर लूंगी एग योल्क को। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप। अब मैं बीटर को ऑन कर लूंगी एंड सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं बीटर को ऑफ कर लूंगी। पहले से जो ड्राई इंग्रेडिएंट के मिक्सचर छान के रखा था उसको मैं एक स्पून के हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लूंगी एंड एक स्पैचुला के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं थोड़ा और ऐड कर लूंगी और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ड्राई इंग्रेडिएंट के मिक्सचर को हम एक बार में ऐड नहीं करेंगे, इससे जो है एक का फॉर्म खराब हो सकती है एंड केक जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया एंड इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। केक को बेक कर लेंगे। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक रेक्टेंगुलर मोल्ड। पहले से मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल ब्रश कर लिया है। अब हम बैटर को इस पे पोर कर लेंगे। मैंने केक की बैटर पोर कर लिया। अब ऐसे ही एक टूथपिक की मदद से थोड़ा सा चला लूंगी, इससे जो है एयर बबल निकल जाएंगी। हल्का सा टैप कर लूंगी। आज हम केक को बेक कर लेंगे चूल्हे पे। उसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई, नीचे सैंड बिटा के स्टैंड रख दिया। अब मैं केक के मोल्ड को इस पे रख दूंगी और ढक के इसके लीड की होल को बंद कर लूंगी। अब मैं केक को बेक कर लूंगी 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 30 मिनट के बाद मैं केक को चेक कर लूंगी एक टूथपिक की मदद से। टूथपिक जो है वो क्लीन आई है, इसका मतलब केक जो है वो अच्छे से बेक हो गई है। अब मैं केक को ठंडा कर लूंगी। केक जो है वो ठंडा हो गई है। अब मैं केक को डिमोल्ड कर लूंगी, बेकिंग पेपर को रिमूव कर लूंगी एंड आप देख सकते हो केक जो है कितनी स्पंजी बनी है। अब मैं केक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। लीजिए माशाल्लाह, हमारी चॉकलेट केक रेडी हो गई है। आप इस केक को ऐसे टी टाइम भी एंजॉय कर सकते हो। ये केक अल्हम्दुलिल्लाह खाने में बहुत ही मजे की है, तो जरूर से एक बार घर पे ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड पास के लिटिल बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए। Okay, bye-bye.